रामलला का मंदिर का प्रथम तल अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और राम भक्तों के लिए भगवान रामलला का स्थायी मंदिर जनवरी 2024 में खोल दिया जाएगा। मगर मंदिर निर्माण के साथ साथ मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान की मूर्तियों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि नेपाल से आए देवशिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा या भारत के अन्य स्थानों से आए शिलाखंडों से मूर्ति बनाई जाएगी। फिलहाल नेपाल के बाद कर्नाटक और राजस्थान से भी शिलाखंड राम कार सेवकपुरम लाए गए हैं। ऐसे किन पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण होना है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। रामलला की मूर्ति पर चर्चा हुई और ये सबको बताया गया कि कर्नाटक से दो विशाल शिलाखंड आ गए और आज राजस्थान से भी तीन पत्थर आए हैं। संभवतः आने वाले दो दिन में राजस्थान से एक शिलाखंड और आ जाएगा। दक्षिण भारत से भी एक शिलाखंड प्राप्त होने की उम्मीद है। ये सब की जानकारी में ला दिया गया है। रामलला की मूर्ति किन पत्थरों से निर्मित होगी इसको लेकर अंतिम फैसला मूर्तिकार करेंगे। इसके लिए कर्नाटक, उड़ीसा और जयपुर से मूर्ति कलाकार बुलाए जा रहे हैं जिनको किस तरह की मूर्ति बनानी है इसके बारे में समझाया जाएगा और वहीं इसके बाद निर्णय करेंगे कि किन पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण होना है। मूर्तिकार तय करेंगे कौन कितने हैं उनकी संख्या। अभी एक मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, एक उड़ीसा के हैं, कम से कम दो लोग जयपुर के हैं, और भी आ सकते लेकिन सबको यही आना होगा। सब एक साथ आएंगे, सबको एक जैसी बातें समझाई जाएंगी, फिर सब अपनी अपनी राय देंगे, फैसला करेंगे, काम यहीं पर होंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की मूर्ति को लेकर भले ही संशय की स्थिति हो लेकिन ये साफ हो चुका है कि परिसर के भीतर बनने वाले जटायु मंदिर में माता सीता का संदेश देने वाले जटायु की मूर्ति कैसी होगी। इसके लिए मूर्तिकारों की 4 सदस्य की टीम तय करेगी और अपना विजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। जटायु किस भाव भंगिमा के बनेंगे, ब्रॉन्ज लगेगा तो कितना किलो ब्रॉन्ज इस्तेमाल होगा, कितने समय में बनेगा, चारों लोगों ने 6 लोग थे, 2 लोग अपने निजी कारणों से उस स्पर्धा से बाहर हो गए, 4 बचे हैं। 4ों को कहा गया है आप मार्च के मध्य तक उसका कोई मॉडल बनाकर दीजिए, लेकिन जटायु की चर्चा ही प्रारंभ हो गई है। जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य और देव मंदिर में की जाएगी तो उस समय अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये योजना बनाई है कि प्रवेश के बाद उनके निकास द्वार को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो सके। बिरला मंदिर के सामने से जो नई सड़क बनाई जा रही उसको भी उन्होंने देखा क्योंकि वो सीधे सीधे तीर्थ यात्रियों से जुड़ी है सड़क। आज वो रूट देखा गया जिस रूट पर दर्शनार्थियों को 1 वर्ष के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। परकोटा निर्माण की आवश्यकताएं हैं इसलिए डाइवर्जन हुआ, थोड़ा सा डाइवर्जन होगा। बहरहाल अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तो चल ही रहा है,
साथ ही मंदिर में होने वाली भगवान की मूर्तियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि रामलला की मूर्ति किस पत्थर से बनाई जाएगी। मूर्ति के निर्माण को लेकर नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों से पत्थर लाए गए हैं, जिसका परीक्षण करने के बाद मूर्तिकारों की टीम तय करेगी कि रामलला की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।